ये रामनवमी की तैयारी पे चल रहा है, मतलब सब कुछ ये जितने ब्रिज है ओवर ब्रिज है अपने उन पे राम का दृश्य है, मतलब रामायण की पूरी थीम दिखाई जा रही है। जैसे आपने देखा होगा गेट नंबर एयरपोर्ट गेट नंबर 3 पे, तो उसमें पुष्पक विमान वगैरह। कौन सा देश से भगवान राम से संबंधित सजा है इसमें क्या है? एक्चुअली पूरी थीम बना रहे हैं हम, पूरी थीम मतलब रामायण कहाँ से स्टार्ट हुई उसका एंडिंग तक, रावण का अंत तक का। कितने लोगों के को लेकर करके आप बना रहे हैं और कितने कारीगर लगे हुए हैं? अभी हमारे पास 50 बंदे के लगभग है, 50-55 बंदे अपने टीम में। क्या क्या बना रहे हैं भगवान राम से संबंधित, क्या क्या देश से? राम से संबंधित जैसे पुष्पक विमान हो गया, रावण का अंत हो गया, वनवास हो गया उनका, और जी जब वो जीत के आए मतलब वध करके आए रावण का, उस टाइम का है, मतलब पूरा है उसमें, पूरी थीम है। अयोध्या में रामनवमी पूरे उत्सव के साथ मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में हम पूरे ब्रिज ओवर ब्रिज पूरा का सवार रहे हैं, सजा रहे हैं। मतलब क्या नाम आपका? सनी नाम है मेरा। कहाँ से आप? करनाल से। करनाल हरियाणा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जी, तो आपको सजाने और संवारने का काम मिला हुआ, कितना सौभाग्यशाली, कितना अच्छा महसूस कर रहे हो आप? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भगवान प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पे काम कर रहा हूँ। देखो जब से गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था कि मंदिर बनेगा, तब से खुशी थी कि दिल में कि भाई काम करें यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या कर रहे हो, क्या क्या बनाया भगवान राम से संबंधित? अभी तक तो देखो सर 1 महीना हो गया है यहाँ पे काम करते करते, पूरे ब्रिज पे जितने भी, इस पूरे ब्रिज पे मोर बनाने की परमिशन मिली थी, तो पूरे ब्रिज पे चारों तरफ मोर बना रहे हैं जी। 3 साइड तो कंप्लीट हो गई, अभी ये 15 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा सर। रामनवमी आने वाला, बहुत बड़ा त्यौहार मना रहे जी सर। सर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा हूँ कि धरती पे मैं शायद इसीलिए आया था कि अयोध्या को सजा सकूँ, यही अपने दिल में वो है जी, खुशी है। सर मैं जिला शामली से हूँ, यूपी में पढ़ते हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हो राम जी? सर मुझे करीबन 1 महीना हो जाएगा अभी। कितना अच्छा लग रहा है, आपके घर वाले गाँव वाले पूछते हो, आप क्या बताते? सर गाँव में मैं सीना टोक के कहता हूँ कि मैं हाँ अयोध्या में काम करूँ, गाँव में भी बहुत रिस्पेक्ट होती है अभी के टाइम में कि भाई लड़का वहाँ पे गया है अयोध्या में काम कर रहा है पेंटिंग का, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है जी। कितना भाग्यशाली मानते हो? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। मेरा ये मैं शायद इसीलिए जन्म हुआ था धरती पे कि मैं राम अयोध्या को सजा सकूं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम विराट कुमार है जी। जी कितना भव्य रहेगा रामनवमी का त्यौहार? देखिए इस बार रामनवमी का त्यौहार जो है इतना भव्य रहेगा जितना भव्य त्रेता में हुआ था। जब त्रेता में भगवान श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, तो उस समय राजा दशरथ जो है इस पृथ्वी के इकलौते राजा थे, जो है चक्रवर्ती सम्राट थे, तो पूरी प्रजा, पूरा भारत प्रसन्न था, प्रसन्न चित्त था, पूरी प्रजा एकदम प्रसन्न थी, सब दौड़ लिए थे कि भगवान श्री राम का दर्शन करना है, दशरथ के लाला का दर्शन करना है। तो जो उत्साह उस समय त्रेता युग में रहा है, वही उत्साह इस बार जो है अयोध्या में मनाया जाएगा। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु जनमानस आएंगे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। गुरुदेव कितनी सजाई जा रही है रामनवमी को लेकर के, अयोध्या कैसी सजाई और संवारी जा रही है? अब दुल्हन के तरीके कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उपमा बहुत अच्छी नहीं होगी, दुल्हन से भी अधिक। हाँ मतलब विधाता सोच नहीं सकता है, विधाता मतलब ब्रह्मा, इस सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा होता है, तो ब्रह्मा भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि कितना जो है भगवान श्री राम के जो है नगरी को सजाया जा रहा है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मंदिर को, अपने अपने धर्म जो है मठ को, अपने अपने जो है गलियारों को सजा रहा है, अपने अपने चौखट को सजा रहा है, और राम जन्मभूमि तो इतना दिव्य और भव्य सजेगी कि महाराज देखने लायक बनेगा। अवश्य देखिए देखन जोगु, जो देखने लायक होता है उसे पूरा विश्व देखता है। तो ये देखने लायक ये जो क्षण आया है, इसको पूरा जनमानस, पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदुत्व, पूरा सनातन धर्मावलंबी सभी लोग बड़े प्रेम से, भाव से, कुछ लोग अयोध्या आ करके देखेंगे, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अपने घर बैठ करके ही वो आनंद लेंगे। क्या नाम गुरुदेव? आशुतोष दास।